दोस्तों MBPSC 2020 की ये वीडियो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर में हम प्रकाश डाल रहे हैं, अभी सुनेंगे आप। नमस्कार दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो इस मैप के ऊपर में चर्चा में था कि नदी कहाँ है, बड़ी मरुस्थल कहाँ है, ये रेखाएँ कहाँ हैं, द्वीप कहाँ हैं, महासागर कहाँ हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो द्वीप से महाद्वीप से उनका कुछ बारे में डिटेल में सबसे पहले बता देते हैं आपको। सबसे बड़ी जो महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, इसका क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट होता है जो येलो कलर्स है, इधर बेरिंग जल संधि है, उसके पश्चात में एशिया महाद्वीप, उसके इधर रूस एक देश है, सबसे बड़ा देश है विश्व का, पीछे चाइना, 13 इसकी सीमा में 13 देश लगते हैं। एक एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वो भी मरुस्थल है। अभी हम बात करेंगे स्पेशल एशिया के बारे में, ये पहले बता रहा हूँ मैं आपको मैं, ठीक है। ये और चीन और मंगोलिया में गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल सबसे बड़ा विस्तृत मरुस्थल है। उसके नीचे में विश्व की छत है पामीर का पठार, पामीर छत या विश्व छत बोलते हैं। नेपाल में यह एक माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर की हाइट है। उसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र का। अब बता दें क्षेत्र में ये तकरीबन 30% पूरे विश्व की भू जमीन का 30% लेता है एशिया, इससे सबसे बड़ा है ये। उसके नीचे में उसके बाद चावल जूट कपास सिल्क, यहाँ की जलवायु चावल जूट कपास सिल्क के उत्पादन में पहला स्थान है, इनकी जलवायु उसके अनुकूल है। सबसे बड़ा देश हम आपको बताऊँ करते हुए इसमें चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है, मालदीव यहाँ पर मालदीव। सबसे लंबी नदी यांगसी नदी चाइना की। सबसे ऊंचा शिखर आपको बताया था माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ये मीठे पानी की झील एक्चुअली झील है और इसको कारण से हम सागर कहते हैं। तो ये था मोटा मोटा तौर पे। हाँ, ये एक स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है एशिया और अफ्रीका के बीच, भूमध्य सागर। अब पहला एशिया था, हम चलते हैं अफ्रीका की ओर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य एक स्वेज नहर है, उसके बाद में अदान की खाड़ी है, ये रही, एक ओमान की खाड़ी है, नीचे आइए ये अरब सागर हो गया, थोड़ा और चलिए मालदीप हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, और थोड़ा इधर चलिए बंगाल की खाड़ी आ गई, इधर बांग्लादेश आ गया, इधर बर्मा म्यांमार वियतनाम और भी देश है बताऊँगा, इंडोनेशिया फिलीपींस, ऊपर चले जापान, दक्षिण चीन सागर ये रहा, ऊपर चले बेरिंग जल संधि और इधर आ गए तो हम आर्कटिक महासागर के एरिया आ गए। आर्कटिक महासागर चौथे नंबर का महासागर है ये। तो पहला एशिया था, सेकंड नंबर का महाद्वीप है अफ्रीका, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब सेकंड नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में 20.5 पूरे क्षेत्रफल में 20.5% लेता है ये। ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा स्पेशल है, इस एक ही महाद्वीप से तीन रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। ये देखिए आप सबसे ऊपर की कर्क रेखा, उसके नीचे विषुवत रेखा या मध्यांश रेखा और नीचे सबसे नीचे में मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस स्पेशल द्वीप पे जो यहाँ पर यहाँ से गुजरती हैं। इसके बाद एक लीबिया देश है, यहाँ पर नदी नहीं है, 1/3 भाग जो है इसका मरुस्थल है, इसका 10% ही भूमि योग्य है। मरुस्थल सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं, सारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, फिर यहाँ सारा मरुस्थल सबसे बड़ा, फिर पर्वतमाला, यहाँ पर एटलस पर्वतमाला है जो यहाँ पर मैक्सिको में फैली हुई है, 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये, मतलब सेकंड नंबर की मैक्सिको में। सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा यहाँ पे विश्व का, इस कारण से इसकी जो है 10% भूमि ही कृषि योग्य होनी। हाँ, हीरे और सोने की खान के उत्पादक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा देश इसका अल्जारिया है, और सबसे छोटा देश मेओटी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जारिया है, ये रहा, जो एटलस पर्वत माला के पूर्वी तरफ में है, सबसे बड़ा देश है। सबसे छोटा देश मेओटी है, लेकिन इस पे फ्रांस का कब्जा है, मेओटी में यानी उसके अधीन है। अगर देखें स्वतंत्र देश के अंदर में तो सेचल्स है, सेचल्स एक ये जगह है, यहाँ पे ये जगह दिख रहा आपको, अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक द्वीप है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र देश के रूप में है ये सेचल्स। ये सबसे बड़ा सबसे छोटा देश है अफ्रीका का।
इसके पश्चात सबसे लंबी नदी यह है नील नदी, जो विक्टोरिया थर्ड नंबर की सबसे मीठे पानी सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील में थर्ड नंबर की जो विक्टोरिया झील है इससे निकली नील नदी सबसे लंबी नदी है इसकी। ओके, सबसे अधिक जल ढोने का काम जायरे कांगो की नदी करती है। ये कांगो नदी यहाँ से यो जो विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा को दो बार काट के अटलांटिक महासागर में चली जाती कांगो नदी, ये अफ्रीका की है। और यहाँ पे घाना देश की एक राजधानी है क्रह, इसके ऊपर है घाना देश की राजधानी। कांगो का पुराना नाम जायरे था और इस पर पहले बेल्जियम का अधिकार था। कांगो नदी विषुवत रेखा को दोबारा काटती है नाइजीरिया, उसके बाद मानव सभ्यता का यह एक्चुअली अफ्रीका जो है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये पूरा गोंडवाना लैंड का पहले हिस्सा माना जाता था। यहाँ सबसे पहले कहते थे कि मानव सभ्यता का जन्म इसी धरती पर हुआ है। दो प्राचीन सभ्यता जो है यहाँ की वह मिस्र व का थेज है। और अफ्रीका के बहुत से जो देश हैं, बहुत तकरीबन देश हैं, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में आज़ाद हुए हैं, बहुत से देश आज़ाद हुए हैं और प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कालीहारी मरुस्थल। ठीक है, एक कालीहारी मरुस्थल आपको बताता हूँ मैं, ये है जगह कालीहारी मरुस्थल, इसका ये जगह है। और यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, जनजाति निवास करती है, इसको बोलते हैं इन बुशमैन कहते हैं, बुशमैन। ठीक है, बुशमैन में कहते हैं उसका वोसाना और नई निम्बीबिया और दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। पश्चिम में एक नामी मरुस्थल है, छोटा है, उतना खास नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए। कालाहारी में दो नमक मैदान है, ये बहुत बड़ा मरुस्थल है, यहाँ दो नमक के मैदान भी हैं। और कालाहारी मैदान में इसमें कोयला, हीरा, तांबा, निकेल, यूरम का भंडार है। मरुस्थल भी है लेकिन यहाँ पर वर्षा भी होती है तकरीबन छोटी कुछ मात्राओं में, इसीलिए वहाँ के स्थानीय लोग मरुस्थल नहीं कहते हैं। और इसमें किलिमंजारो सबसे ऊंचा चौथे नंबर का है, जो ये किलिमंजारो है यहाँ इसी में चौथे नंबर का, और सबसे खड़ा पहाड़ है। ठीक है, अब हमारा इसके पश्चात चलते हैं, इसके अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर में है उत्तर अमेरिका, सबसे बड़ा उत्तर अमेरिका। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला वीडियो जरूर देखें उत्तरी अमेरिका के ऊपर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल MPPSC 2020 को जरूर।